हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मॉर्निंग में एक मैच होने वाला है जो कि खेला जाएगा CONCACAF नेशंस लीग का, जमैका वर्सेस कनाडा के बीच। इन दोनों टीम्स के बीच लास्ट 7-6 मंथ्स पहले भी हुआ था, जिसके अंदर कनाडा ने JMC टीम को 4-0 से हरा दिया था। 4-0, इट्स अ बिग नंबर गाइस। मतलब 4-0 से हराना एक बहुत बड़ी बात है एक बड़ी टीम के लिए। तो बात करें मेरे लिए, ये है मेरा एक टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी ओपन अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगी। कल है शनिवार, कल दोपहर से रात तक के बीच में से कम 3 टीम्स तो मिनिमम ओपन आएंगी जिसमें आप अच्छा खासा कमा सकें। तो तैयार रहना, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, देखिए जमैका एंड कनाडा। आपको बता दूं कि कनाडा की गिरावट आ सकती है इस मैच में। 4-0 से जो इन्होंने मैच जीता था, उस मैच को टाइम हो गया, 7-8 मंथ्स हो चुके हैं, जिस कारण कनाडा की फॉर्म थोड़ी डगमगाई हुई है। दूसरी बात, कनाडा का जो मेन प्लेयर जिसका नाम है गाइस यहां पर जोनाथन डेविड, अगर ये नहीं खेलेगा तो कनाडा के लिए ये मैच जीतना 50% और मुश्किल हो जाएगा जितना कि अभी है। तो इस मैच को हमको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनानी पड़ेगी टीम। ना हमको JMC के प्लेयर ज़्यादा लेने हैं, ना हमको कनाडा के, हमें बैलेंस टीम बनानी है इस मैच के अंदर। सबसे पहले बात करें लैरिन की, देखिए सी लैरिन जे डेविड एक ही क्लब के लिए इतने समय खेले थे, उसके बाद एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं कनाडा से, तो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लड़के दोनों। मतलब मैं क्या बोलूं, डेविड का तो गेम प्ले अलग है, लैरिन का गेम प्ले इसलिए आगे निकला था क्योंकि डेविड पिछले दिनों कई मैचेस नहीं खेला था। अगर वो रेगुलर होता तो शायद आज जे डेविड जैसा कनाडा में खिलाड़ी ना होता। और मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि डेविड से स्ट्रॉन्ग इनकी टीम में खिलाड़ी है भी नहीं। और ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो आर विलियम्स कब तक चलेगा? नहीं चलेगा भाई, रोमेरियो विलियम्स कनाडा का मुकाबला नहीं कर सकता। और एस निकोलसन, जो बंदा इनको 2 गोल करने का दम रखता है, वो उस बेचारा रेड कार्ड सस्पेंशन पे बाहर है। इस बंदे को रेड कार्ड मिला हुआ, जिस कारण भी बहुत फंसा हुआ मैच है JMC के लिए भी। और एम एंटोनियो को जगह दी गई है, तो हो सकता है एंटोनियो दिखे, अगर एंटोनियो खेले तो ले लेना। बाकी बी रेड की बात करूँ, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड प्लेयर है, बिल्कुल आपको रुला देगा ऐसा खिलाड़ी है। ये आप भरोसा करके रखोगे, आप बोलोगे यार ये क्या कर लिया, ये बहुत कभी कभी चलता है। और एक्चुअल में ये स्ट्राइकर है भी नहीं, इन्होंने तो कंट्री में इनसे स्ट्राइकिंग कराई है, बट एक्चुअल में ये मिडफील्डर है। तो मैं बी रेड को नहीं लेकर एंटोनियो के साथ कंफर्म जाऊंगा, बट एंटोनियो भी खेलना चाहिए, एंटोनियो का भी पंगा था पीछे, तो पता नहीं खेलेगा कि नहीं। नहीं खेलेगा तो रेड ले लेना, ये ना हो कि एंटोनियो की जगह रेड लो ना, फिर बाद में मुझे ब्लेम करो, क्योंकि नहीं खेलेगा तो रेड का गोल आ सकता है क्योंकि फॉर्मेशन अलग है। आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, जे ओसोरियो जरूर लूँगा। ओसोरियो के बाद ना एल मिलर का लफड़ा था, बट मिलर फॉर्म में है नहीं, तो आपको एक फ़ायदा क्या मिल गया, एम के आईकोन हो गया, ये बहुत कम चलते हैं यार। एक प्लेयर अच्छा है कनाडा का, हाँ ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मुझे टी बुचानन अच्छा लगता है, लेकिन जब तक अल्फोंसो डेविस मिडफील्डिंग कर रहा है तब तक कोई पागल ही होगा जो भाई नीचे जाकर कोई और प्लेयर उठाएगा, जेन्युइन बता रहा हूँ। उसके बाद डी ग्रे को लूँगा, JMC का मेन प्लेयर। उसके बाद एल बेले, भाई साहब क्या ही फ्रेंचाइजी के लिए ये अपने कर रहा है, अपने क्लब के लिए इतना अच्छा गेम प्ले देना मैटर करता है भाई। आज जिस बंदे को इंटरनेशनल मैच खेले 2 महीने हो गए, अभी सीधा फॉर्म आएगी इस बंदे की, क्योंकि पूरी फॉर्म में है, पूरी फॉर्म में। और इसकी जगह कोई और प्लेयर के बारे में सोचो मत, रसल वसल जो हैं वो कभी कभी चलने वाले, लेकिन रेगुलर परफॉर्मर इनकी टीम में बेले है। आगे से बात करें डिफेंडिंग सेक्शन की, तो विटोरिया, ठीक है विटोरिया के बाद कंफर्म 1 प्लेयर जो मैंने लेना है वो है रिची, जरूर लेना है। उसके बाद आप एक ऑपोजिशन टीम का प्लेयर बनाना चाहते हो बढ़ा लो, बट उनकी डिफेंडिंग थोड़ी डाउन है इन दिनों, सही बता रहा हूँ, तो मैं के मिलर के साथ हूँ। बात करें गोलकीपिंग सेक्शन की, देन ए ब्लेक की जगह कोई ऑप्शन भी नहीं है, ब्लेक नहीं खेलेगा तो वेट ले लेंगे, बट लेना हमने JMC का गोलकीपर है। बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरी टीम का जे डेविड, वाइस कप्तान है मेरी टीम का सी लैरिन। हम लोग टीम थोड़ी ऐसी बनाई है, बट हो सकता है अगर आप वाइस कप्तान बदलना चाहें तो आप एल बेले के साथ जा सकते हैं, एंटोनियो के साथ जा सकते हैं, लेकिन कप्तान मत बदलना। डेविड नहीं खेलेगा तो बदल लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।